आज है 4 सितंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है, इंडिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में बन रहा है। ठीक है, लद्दाख में एक जगह है हैनले, जो कि चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे डार्क स्काई रिजर्व या कह लीजिए डार्क स्पेस रिजर्व बनेगा, जहाँ पे कई सारे टेलीस्कोप लगाए जाएंगे। ठीक है, गामा रे टेलीस्कोप, इन्फ्रारेड, ऑप्टिकल, सारे तरह के लगाए जाएंगे, ताकि लोग जो स्काई गेजर्स हैं, जिनको ऑब्जर्वेशन करना अच्छा लगता है, ठीक है, वो वहाँ जा सकें और ये सब कर सकें। और ये अपनी तरह का मतलब सबसे ऊंचा एक तरह से साइट है, यहाँ से आसानी होगी। और इसमें 4 संस्थाएं मिलकर इसको बना रही हैं। प्रोजेक्ट ये डीएसटी का है, डीएसटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसमें इनकी मदद करेंगे जो लद्दाख का ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो लद्दाख का जो एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, ये 4 संस्थाएं मिलकर इसको बनाएंगी। उसके बाद है, इंडिया 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है दुनिया की। ठीक है, और ऐसा अनुमान लगा जा रहा है कि 2029 तक हम 30वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे। अभी देखा जाए तो सबसे बड़ी यूएस, उसके बाद चाइना, फिर जापान और जर्मनी। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है 24-25 तक जर्मनी को ओवरटेक कर लें और 29 तक जापान को ओवरटेक कर लें। फिर है नालसा। नालसा का मतलब नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़। ये नालसा एक्ट जो 1997 में आया था, उसके तहत बनाया गया था 1995 में। ठीक है, एक्ट 1987 में आया है, फॉर्मेशन 1995 में हुआ है। ठीक है, और अभी जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं डीवाई चंचूड़, उनको नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है। जो नालसा के प्रोविज़न है, उसके हिसाब से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो पैट्रॉन इन चीफ होते हैं नालसा के, और जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं नालसा के। ठीक है, ऐसा ही सेटअप स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है। स्टेट लेवल पर जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो हेड करेंगे उसको, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो वहाँ के चीफ जज होंगे, ठीक है, वो इसको क्या कहते हैं हेड करेंगे। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और नालसा ही लोक अदालत का ऑर्गेनाइजेशन कराती है हर साल। ठीक है, उसके बाद शुमांग लीला। शुमांग लीला एक तरह का ट्रेडिशनल थिएटर है मणिपुर में। ठीक है, इसमें एक यूनिक चीज़ है कि जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों का रोल करती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं का रोल करती हैं। ठीक है, मतलब रोल का इंटरचेंज होता है इसमें, और ये एक तरह से सेकुलर थिएटर है। इसमें ज़्यादातर मोरल से रिलेटेड थीम्स होती हैं, मोरल वैल्यूज़ पर, यूनिटी इंटीग्रिटी वगैरह पर। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसलरेटर, इसको बनाया है इसरो ने। इसरो की जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, उसने इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है, और इसका इस्तेमाल जो रॉकेट्स होंगे उनको डिसलरेट करने के लिए, मतलब उनकी स्पीड कम करने के लिए और उनको डायरेक्शन देने के लिए किया जाएगा। इसका भी टेस्ट हुआ थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। इसमें इक्वेटोरियल इसलिए है, इसलिए नहीं है कि वो इक्वेटर पे है, मतलब जोग्राफिक इक्वेटर पे, इसलिए है क्योंकि वहाँ से जो अर्थ का मैग्नेटिक इक्वेटर होता है वो पास करता है। ठीक है, फिर है नैनो यूरिया। इसको डेवलप किया था इफको ने। इफको मतलब इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। ठीक है, ये लिक्विड यूरिया है, इसको पेटेंट भी कराया गया है। इसमें यूरिया के नैनो पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और यूरिया जो होता है वो प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन का सोर्स होता है। ठीक है, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो आधी लीटर बोतल होगी इस लिक्विड यूरिया की, वो 45 किलो का जो यूरिया का बैग आता है उसके बराबर होगा। ठीक है, हालांकि प्लांट्स को यूरिया की दो दो बार ज़रूरत पड़ती है, खासकर जो वीट प्लांट हैं, वीट, राइस और मस्टर्ड वगैरह। ठीक है, जो एक बार तो जब उसको शुरू में लगाते हैं तब, और जब वो मतलब फ्लावरिंग सीज़न उसका शुरू होने वाला होता है तब उसको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जो लिक्विड यूरिया है, ये सेकेंड उसका जो सीज़न होगा वहाँ पे काम आएगा। और इंडिया जो है हर साल करीब 90 लाख टन यूरिया इम्पोर्ट कराता है, जिसमें उसको 24,000 करोड़ तक रुपए तक खर्चे होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बचेगा। उसके बाद सेक्शन 437 सीआरपीसी का। सीआरपीसी मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, ये जो बेल कंडीशन होती है नॉन बेलेबल ऑफेंस में, उससे डील करता है। इसमें कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, कुछ कैटेगरीज को, जैसे महिलाएं हैं, या जो बच्चे 16 साल से कम हैं, या कोई सिख है मतलब बीमार है उनको। ठीक है, फिर है बीपाल। बीपाल जो है वो एक कॉम्बिनेशन है एंटीबायोटिक्स का, जो कि ट्यूबरकुलोसिस से लड़ने में मदद करेगा। ठीक है, ये 6 महीने का कोर्स होगा, उसमें वो मतलब क्योर करेगा टीबी को। इसमें 3 एंटीबायोटिक्स हैं, बेटाक्विलीन, प्रिटोमानाइट और लाइनजोलिड।
उसके बाद वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसको इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने रिलीज़ किया है, इसमें इंडिया को 37th रैंक दी गई है, ठीक है। उसके बाद 30th साउदर्न जोनल काउंसिल, इसकी मीटिंग हुई तिरुवनंतपुरम में और इसको चेयर किया मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने, ठीक है। जो जोनल काउंसिल होते हैं ये स्टेचुरी बॉडीज़ हैं, ठीक है। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 था उसमें 5 जोनल काउंसिल बनी थी, ठीक है। उसके बाद 6वीं जो नॉर्थ ईस्ट की जोनल काउंसिल है वो अलग कानून ला के बनाया गया था। उसके बाद मंकी पॉक्स वायरस के वायरेंट हैं अभी, ठीक है। उसमें उनका नाम जो है, पहले जो नाम था उसको चेंज कर दिया गया, जैसे कॉन्गो बेसिन या सेंट्रल अफ्रीकन क्लैड जो कहते थे उसको क्लैड 1 कहा गया, और जो वेस्टर्न अफ्रीकन वेरिएंट था उसको क्लैड 2 कहा गया। जो क्लैड 2 है इसके भी सब क्लासेज हैं, क्लैड 2A, क्लैड 2B करके, ठीक है। फिर है वास्प 39b, ये एक एक्सोप्लैनेट है जिसको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ढूंढा है, ठीक है। ये एक्सोप्लैनेट का मतलब होता है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है, ठीक है, बाहर ढूंढा गया। तो और इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साक्ष्य मिले हैं उसके एटमोसफेयर में। उसके बाद साउथ कुरील आइलैंड, ये सी ऑफ ओखोत्स्क और नॉर्थ पैसिफिक ओशन के बीच में है, ये मतलब एक तरह से डिस्प्यूटेड है रशिया और जापान के बीच में। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स, सुनने के लिए धन्यवाद।